Assalamualaikum जनाब, वेलकम टू माय न्यू एंड फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी नाज़रीन, ये है शौक हमारा सब भैयों के लिए। बड़े बड़े अच्छे नए आप कबूतर हैं इसमें, और क्या कहते हैं, आगे आगे आपको हम बहुत अच्छे अच्छे कबूतर और चिड़ी माड़ी भी दिखाएंगे। शौक बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये हमारा बेटा, इसके ऊपर चाल रखने का सोच रहे हैं, मगर हमने कहा यार देखते हैं अभी। ये बेटा, इसको हमने जो है कलर वगैरह करना है। पहले मैंने नीचे रखे हुए थे कबूतर, अब ऊपर ले आए हैं। नीचे बिल्लियाँ वगैरह बहुत तंग करती हैं। वो हमारा बिल्ला ये बहुत बार तंग करते थे कबूतर। ये एक जाल आ गया हमारे घर के साथ ही है, बिल्कुल बांडा जी का जाल, अल मशहूर बांडा जी। पकड़ते हैं कबूतर को। ओहो हो, लड़ाई हो गई। नाज़िर ये कुछ हमारे जोड़े भी हैं। मेरे भाई ने पहले रखे थे कबूतर, वो बाहर चले गया, मुझे शौक पड़ गया, उन्हें हम भी शौक करते हैं। और आज मैंने चैनल बनाया, मैंने कहा चले लोगों को शौक वगैरह कराए और ज़रा सब्सक्राइबर करें और अच्छे अच्छे शौक लोगों को दिखाएं सब भाइयों को। रोजबरी कबूतर है ये, टैडी कबूतर है, इस सामने आया डबल डबल मंदी है, बल्कि ये इसके साथ गोल्डन सलारा कबूतर लगा हुआ है। ये जो है ये नया कबूतर है पटेगा किंग है, इसका नाम है अली अला, चीना कबूतर है। और ये टैडियों में शौक रहेंगे आपको सबका, अभी बच्चे वगैरह नहीं है, बच्चे आएंगे तो ही शौक होगा। ये हमारे पास इंडियन बाजरा कबूतरी है, इसको बाजरे ही कहते हैं वो इंडियन, एक साल को होते हैं हमारे, ये इंडियन है बाजरी कबूतरी। इसके बाद आ जाए जी इधर, कबूतरों को भी मैंने खोला ही है। ये नाज़रीन बच्चे जो हैं दो हैं, ये गिफ्ट आए थे साथ ही घर में बच्चे ने रखे थे, इसने जोड़ा रखा था। ये बच्चे माशाल्लाह वहाँ पे समझ लो कि चार चार पाँच पाँच बजे तक उड़े हुए हैं, अब उसने ख़त्म कर दिया। अब इसको हम दो के महीने तक लैस करवाएंगे, इनका भी शौक आपको कराएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल ये गोल किए हुए हैं, ये हमारा सियालकोटी कबूतर है। और ये वाला बच्चा आएगा, हमने पकड़ा कल परसों, फिर भी फिरोजपुरी है, बहुत ही नया है, बहुत ही काली आंखों में है, तो काफ़ी रुला है पूरा गड़ीशो का एरिया, फिर आके इधर ही बैठा। ये बच्चा ये वाला जो गोल हुआ का उड़ा हुआ, एक उसके साथ ये भाई है उसका, लाखा कबूतर में गिफ्ट आया है। उसके बाद ये हमने पकड़ा था कुछ दिन पहले, ये हमारे घर के बच्चे हैं तबाज, ये बच्चा भी पकड़ा था। पीछे हमारे पास 10-15 थे उड़ने वाले, वो सर्दी की वजह से बड़े कबूतर लोगों में मरे हैं, उसमें वो भी जो है मर गया। ये बच्चा हमने पकड़ा था, ये मतलब चेक करें आप भैया, ये
बच्चा भी घर का है, काले के साथ बैठा है, इसका ये दर्द रखेगा। और ये इसकी दरमाती गोल्डन लगी है, बड़ा अच्छा बच्चा है। ये जुड़ेगा आपको शौक कराता हूँ, ये चक्कर है, ये हमारा किंग जोड़ा है, पूरी मादी है डबल, और ये सास लाड़ा चीना चीज है माशाल्लाह। साल कुटी है नीलू माँ, और ये डबल है हमारा चीना कबूतर, और ये जोंसरा है कलसी वाला जोंसरा, और ये हरा भी हमने पकड़ा कुछ दिन पहले, हफ्ता डेढ़ हो गया। लाखे का शौक कर, ये इंडियन लाखा है, ये हमें गिफ्ट है इस जगह से। ये हमारा खड़ा जोड़ा है, बच्चे जो हैं चार चार बजे तक बैठे हैं, दो से उन्होंने कबूतरबाजी ख़त्म कर दी है, उधर से ये भी हमें गिफ्ट आया, अभी स्टार्ट ही की है कबूतर शबूतर, इंशाल्लाह आगे आगे आपको बड़ा अच्छा शौक दिखाएंगे। जी अली क्या हाल चाल है, ली ये जाल वाला भैया, ये बस माल डब्बे में करते हैं, पकड़ते रहे बस बेच दिया। कबूतरों की तादाद चेक करें आप, जाल में कितनी हैं, उनको कबूतरों से प्यार है, पता नहीं बेचते भी कि नहीं, तकरीबन कोई ना कोई इनके पास 1500 कबूतर है इस टाइम, पता नहीं कैसे दाना डालता है, एक बंदा डालता भी कि नहीं डालता। लो ना ये भाईजान हमारा आ गया है फैंसी, ये हमने रेसर पकड़ा था, ये भी अपनी मर्जी से उठता है, लंबा लंबा घूम के आ गया फिर बैठ गया, तो क्या कहते हैं ये भी हमने पकड़ा हुआ। उसके बाद मज़ीद बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं, कोई और भी आएंगे, दोस्त की तरफ भी एक रखवाए हुए हैं, और उसके अलावा बच्चे वगैरह भी आएंगे, उनका भी शौक कराएंगे आपको, सारे अच्छे अच्छे बच्चे, और कप की एंट्री का भी है सिस्टम, तो बाकी जो अल्लाह ताला नसीब करे। इधर एक मड्डा लगाएंगे यहाँ पे, इतने ना सीसी के लेवल का छोटा टैंकी के साथ आ गए, इधर आ जाए, एक ये बड़ा अड्डा लगाया हुआ है, तो ये सारा निज़ाम है। खोकर पिजन जो है ये हमारे पास ही हैं गड्डी धर्मपुरे के भाई हैं, अभी बहुत अच्छे भाई हैं, बच्चे हैं ये ना थोड़े ढीले थे, इनको ना कभी इतना छेड़ा नहीं, अब आस्ते आस्ते इनको छेड़ेंगे तो इनको भी आदत पड़ेगी, और इनके परों पे ना मच्छर वगैरह ने काटा हुआ था, तो अब ठीक हो गए हैं, तो अब जो है मज़ीद बच्चे आएंगे अभी, और वीडियो शेयर करूँगा जो मेरे पास पहले मेरा शौक था, 3 दिन 4-4 बजे तक मेरे कबूतर उड़ रहे थे, 10-12 बने हुए थे, बच्चे ही थे वो, पट्टियाँ पट्टे साफ हुए हैं सर्दी में, पीछे 3-4 टेम्परेचर पड़ा, सारे मेरे फोटो हो गए, ठंडी की वजह से ना बहुत बीमार हो गए कबूतर,
इसको स्वेदी वगैरह करनी है, फिर इसको बताना आप सब भाई कि इसको किस साइड पर रखें, इधर रखें इधर रखें, इधर ना मैं कह रहा हूँ ये कबूतरों के लिए उड़ने वालों के लिए यहाँ पर रखना। तो जो जोड़े हैं वो अंदर खुटे में ही सही हैं, क्योंकि उड़ने वाले अलग होने चाहिए। इसके अंदर रखेंगे हम हमारा मुर्गा सील, बड़ा अच्छा मुर्गा है, ये भी मैं गिफ्ट आया था। ये हमारा घर है, फैंसी सा ही है, मतलब बस छेड़ों के लिए रखा हुआ है। बड़ा बड़ा पुराना है ये, इसको तकरीबन 6-7 महीने हो गए। एक सियालकोट मादी है जो मैं बाहर से लेके आया था, खोल वगैरह दिया हुआ है, मगर ये नेपरों पे आर्थिक रीजें भी पड़ी सर से, तो भी छेड़ा नहीं है, छेड़ते हैं देखते हैं क्या कहती है ये। छेड़ा नहीं इसको, सुबह से अभी उड़ नहीं गई, बच्चों के साथ छेड़ते हैं, साथ कटी मादी बैठी है साड़ी। घेरे तो पड़े हैं अब, मादी किधर गई, मादी पीछे बैग ही लग रहा में है, और इसकी 10वीं अभी नहीं निकल रही है, उधर बैठ गई है। बच्चा हमारा गिरा है, 2-3 गिरे, ये भी हमने पकड़ी थी मादी है, फैंसी सी है, ये भी उड़ने वाली नहीं है। ये हरा एक हमारा बड़ा अच्छा उड़ता है, मगर ये भी नए परों पे है। चलें जी भाईजान, सब भाई अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट नए व्लॉग में। काफ़ी चेंजिंग करनी है अभी छत की, उसके बाद जाके जाना, बड़ा अच्छा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह।